जिले में लगातार बढ़ते अपराध पर कानून व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम ने की समीक्षा। नाराज थके बोले, नशीले पदार्थों की रोकथाम कर युवा पीढ़ी को बचाएं। ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। आईजी डीआईजी और संभाग आयुक्त रहे मौजूद। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की है। व्यवस्था को लेकर नाराजगी और चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस रात्रिकालीन गश्त बढ़ाए। नशीली कफ सिरप, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थ युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जिले में प्रवेश रोकने के लिए सीमाओं पर कड़ी जाँच करें। नशीली सिरप के मूल स्रोतों पर चोट करें। नशीली सिरप आदि मुख्य रूप से आसपास के राज्यों से आ रही है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट की तरह नशे के विरुद्ध कड़े वैधानिक प्रावधान बनाने के लिए वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध बिक्री करने वाले पैकारों पर कड़ी कार्रवाई करें, जिससे वे दोबारा इस कार्य को करने की हिम्मत न कर सकें। नशा अपराधों का बहुत बड़ा कारण है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में चोरी की बढ़ती हुई घटनाएं चिंताजनक है। बैठक में आईजी एमएस सिकरवार ने जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी दी है। इसके साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऑटो के लिए स्थान निर्धारित करें, पार्किंग तथा ठेले वालों के लिए स्थान तय करें। यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने 2 माह तक लगातार प्रयास करें। कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और यहाँ पर ट्रैफिक की भी बात हुई है। कोरेक से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके रोकथाम के लिए भी चर्चा हुई है और सभी व्यवस्थाएं ठीक होगी ऐसी उम्मीद है। मादक पदार्थ ज़्यादा नाम आने लगा है शहर में, रीवा शहर में मादक पदार्थों की बिक्री का ज़्यादा नाम आने लगा है। नहीं, अब उसी पे अब पुलिस पूरी तरह से पहले भी काम कर रही थी, उसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी और उसमें बेहतर परिणाम आएंगे।